हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति की दुनिया में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। सो हम लोग एनिवर्सरी के लिए आप पहुँचे हैं बोध गया और यहाँ पे हम लोग होटल में स्टे किए। जैसा कि आप लोग के साथ फर्स्ट ब्लॉग में शेयर की थी कि मैं हम लोग कहाँ जा रहे घूमने, तो मैं बताई भी थी कि हम लोग इस बार सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं बिहार में ही। बिहार से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम अभी रुके हुए थे पटना एग्ज़ाम के देने के लिए। मेरा एक जून से एग्ज़ाम है, तो ये बोले कि ये लेने आए थे मेरे को दिल्ली जाने के लिए, बट मैं बोली कि नहीं मैं रुक जाती हूँ। गाड़ी लेकर आए थे कि एग्ज़ाम दे के जाएंगे, क्योंकि मेरे को आए हुए नवंबर में ही आए थे, हमको आए हुए सात से आठ महीने हो गया। तो गाड़ी जा रहा था तो पूरे मैं के फैमिली भी हम लोग साथ में चल पड़े और यहाँ पे जाके होटल में हम यहाँ पे अभी हो रहे थे रेडी। और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, ये मेरी छोटी सिस्टर और एक इनके दोस्त फ्रेंड ये होटल में इस तरीके से बेड डेकोरेट कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेड गंदा भी मेरा बच्चा कर दिया था। तो हो गए हम रेडी और सिंपल, मतलब साड़ी हम पहले से था कि लिए हुए थे पहनने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 11-12 बजे, मतलब 11-10-11 बजे सारे होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाते। तो फिर हम लोग को आइडिया आया कि चलो घर पे ही होटल में ही सेलिब्रेट कर लेते। नॉर्मल सी होटल थी हम लोग, क्योंकि पूरे फैमिली लोग भी रुके थे, 3 रूम बुक किए थे हम लोग इस वजह से। तो यहाँ पे होटल डेकोरेट हुआ, फिर हम लोग जाके रोज़ वगैरह केक वगैरह लेकर आए और मैं और मेरे पति देव जी इस पर इस तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। हर बार में हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट तरीके से करें। पिछले बार मैं व्रत वो करवाई थी घर पे, वो करवाई थी पूजा रख, सुंदर कांड रखवाई थी। इस बार मैं हम लोग बाहर जाके करवाए, तो कभी हम हमेशा सोचते हैं और आ गए हैं सेकेंड वाले रूम में। हम लोग 3 रूम बुक किए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन हल्का हम लोग कर दिए हैं। बस केक आने का वेट कर रहे हैं और पति देव जी के लिए ये सरप्राइज है, वो उस रूम में बैठे हुए हैं। और बस जैसे केक आएगा बस हम लोग इसमें यहाँ पे केक काटेंगे और एनिवर्सरी इस बार हम लोग इस तरीके से होटल में ही सेलिब्रेट करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थक चुके हैं और हम लोग कल का प्लान है कि कल मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर कल से 2 दिन का ट्रिप घूमेंगे और बोध गया देखेंगे और थोड़ा सा दूर है फिर आज के जाएंगे। तो आई होप कि आज का ब्लॉग, ये मेरे तरफ से छोटा सा पतिदेव जी के लिए गिफ्ट है एंड उनके तरफ से गिफ्ट है कि वो ट्रिप पर लेकर आए इस बार एनिवर्सरी में। और मेरा बाबू भी, मम्मी भी, सब लोग मस्ती करता है। देखो भाभी इधर कॉपी रहता है। ए गुगली, ए गुगली, गुगी ए कर दे ए वो ज्यादा लाइट नहीं और यहाँ पे ही अभी हम लोग जस्ट होटल में केक कट कर लेंगे, उसके बाद बस खाना पीना खाएंगे। साल कंप्लीट हो गया, 8वां साल में आज एंट्री कर गए हैं और ऐसे ही काम का चालू देते रहो। ठीक है, ठीक है, काम का चाबी देने पर तो ये हालत है, बाप रे इनको कांटा चुभ रहा है, कांटा चुभ रहा है इनको। हाँ एक ही लगा जाती बेड है, एक ही लगा बेटा, इसका ले जा मोबाइल पकड़िए, चल आ बैठो तो उधर से एसी लगा दो भैया। लगा दीजिए, उड़ेगा मुझे तो जल्दी करने दे, सब रोज उड़ जाएगा आप लोग का। चलेगा देखिए तो समुद्र जपती पापा बोलो हैप्पी एनिवर्सरी, पापा बोलो हैप्पी एनिवर्सरी, पापा हैप्पी एनिवर्सरी, चलेगा पापा बोलो हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी पापा, फोटो सालू एंड बिकू जी।
गुगली गुगली बेटा क्या सीख लिया ना तो हमेशा करता है बुआ से जाइए ना आप लोग जाइए गुगली का फोटो अच्छा आ रहा है अब उधर गिर नहीं जाए हैप्पी एनिवर्सरी ले अच्छा चलिए भाभी जी को हेलो तुम भी खा तुम भी अटक तो नहीं जाएगा देखता हूँ जहाँ तुम्हें तुम हो देखता हूँ जहाँ तुम्हें तुम हो और नजारों में क्या नजारा है। सो गाइस तो यहाँ पे हम लोग एक दो रील शूट करवाए मैं इसलिए इसमें शेयर कर दी हूँ कि मैं मेरा हम लोग की एनिवर्सरी इस बार बहुत खास है कि हम लोग के साथ बाबू है और बाबू हम लोग की एनिवर्सरी विश कर रहे हैं हमें तुम पटना से डेवलप नहीं है ना ज़्यादा ना क्या कर रहे हैं सो गाइस हम लोग केक कट कर लिए हैं अब चल रहे हैं नीचे होटल में खाना खाने के लिए तो कैसा लगा मेरा आज का सेलिब्रेशन कमेंट में बताइए आपके एनिवर्सरी सो गाइस तो हम लोग बिल्कुल जो घर की हाउस वाइफ लेडीज एनिवर्सरी सिंपल तरीके से जो सेलिब्रेट करती है वैसे ही कि कोई दिखावा नहीं कोई वो नहीं जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही है उससे थोड़ा सा मैं हम लोग बाहर जाके थोड़ा सा लपेट के थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है और बाबू को देखिए ना ये क्या सीख लिया नो जैसे से करना एकदम अच्छा भी लगता है देखने में और लगता है क्या ही ये गंदू सीख ले रहा है और कॉमेडी टाइप से करता है ऐसे से पता नहीं इसका दांत आ रहा है या नोज़ में कुछ ऐसा हो जाता है वैसे नया चीज़ दो दिन से सीख ले और बाय चांस मेरे और मेरे बच्चे का और मेरे पति देव का सबका ड्रेस मैचिंग हो रहा था ये वाली जो टी शर्ट पहनी है मेरे पति देव जी आप लोगों को दिखाए भी थे ब्लॉग्स में कि मैं लेकर आई थी इनको गिफ्ट दिए थे और बाकी की अभी फ़िलहाल तुरंत शादी हुआ है मेरे घर में तो कोई अभी गिफ्ट वगैरह मैं भी नहीं मांगी हूँ और लेके भी शायद नहीं आए हैं और मैं बोझित भी नहीं की हूँ क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट होता है वो अपने मन से क्योंकि अभी इतना खर्च वगैरह हुआ है शादी वगैरह में बस हम लोग नॉर्मल भगवान के दर्शन के लिए निकल चुके थे क्योंकि ऑलरेडी 6 महीना घर में रख के एक ही जैसा एक ही रूटीन में चल रहा था और यहाँ पे हम लोग खाने में बिल्कुल पनीर की शाही पनीर सब्जी भिंडी की मसाला खाना पीना हो गया ये इतना बदमाशी कर रहा है ना कि सबको जल्दी जल्दी मैं खाना खा के निकले हूँ बेटा इतना बदमाशी क्यों क्यों बदमाशी बेटा क्यों बदमाशी तुम्हें भी खाना है यहाँ पे हम लोग ना हम खाना खा के इसलिए निकल गए ताकि सब लोग खाए क्योंकि टेबल पे ये सारा सामान को गिरा रहा था और हम लोग खाने में बिल्कुल सिंपल ही थे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे और आते के साथ हम लोग पकौड़ा चाय क्या क्या ले लिए थे हैवी खाना हैवी नाश्ता तो इसलिए हम लोग स्पाइसी नहीं लिए और आज ऐसे भी मंगल है तो हम लोग को भी नॉन वेज नहीं खाते और आगे फिर रूम पे और यहाँ पे मैं कपड़ा चेंज कर ली क्योंकि साड़ी वगैरह में ना
बाप को पिलाने उलाने में नहीं बन रहा था तो इसलिए चेंज कर लिया। और रास्ता भी रेस्ट करने के लिए आकर बहुत थक गया क्योंकि ट्रेवल हो गया और बच्चे के साथ में बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा है। इस प्रकार एनिवर्सरी ऐसा लग रहा है कुछ भी करने देता, अनजान जगह पे आया चिल्लाने लगता है, कभी पॉटी करेंगे, कभी सुसू करेंगे, कभी मुट्ठी करेंगे। ये देखिए मेरा बच्चा जो है ना वो बहुत परेशान कर रहा है। तब परेशान बेटा क्या हुआ बेटा? तो गाय तैयार पे कर लिए गए थे। सोना नहीं आ रहा तुमको करना मम्मा को परेशान? देखो मम्मा सारा चीज दिखा देंगे तुम, मम्मा बलून लेकर आई तुम्हारे लिए और ये वाली नाइटी भी पाई, ये ऑर्डर कलर अपना अच्छा कलर है ना। So guys, तो हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं रेस्ट, खाना पीना हो गया, हम लोग ऑलरेडी क्या है तो थोड़ा रेस्ट करेंगे, बॉडी रेस्ट मांग रही है। उसके बाद फिर कल सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे सुबह में हम लोग को पूजा में जाना है। तो बस अब हम लोग आ गए अपने रूम में, बाबू को देखते हैं, इसके पापा भी और मैं, और इसको मैं सुलाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अब बाहर बच्चे को छोटे लेके जाते हैं ना, टेबल थोड़ा सा अब मेरे को लग रहा है रिस्क जैसा, क्योंकि मना किया कर रहा था तो कल ये वाली गिफ्ट पहनेंगे हम इसका और आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग शेयर करेंगे जल्दी, खोल के दिखाते थोड़ा सा इस सूट के साथ। तो मेरा पहला गिफ्ट बहुत ही प्यारा, पापा से गिफ्ट मांगा गया, वैसे लो।